केरला में पत्रकारों पर हुए हमले अभी थमे ही नहीं थे कि अब तमिलनाडु के एक निजी अखबार के पत्रकार को बीते दिन गोली मारकर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पत्रकारों पर ये हमले होने की कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भारत में जो भी पत्रकार सच को दिखाना चाहता है उसे इसी तरह दबाने की कोशिश की जाती है। इस बात को लेकर बठिंडा के सभी पत्रकार भाईचारे की ओर से डिप्टी कमिश्नर को एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें पत्रकार पर हमला करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर परिवार को इंसाफ दिलवाने की मांग की गई। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁਜਰਿਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ 'ਤੇ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ। कर्नाटका में जो पत्रकार गौरी श्रीमती गौरी लंकेश की मर्डर हो गई है, तो उस दे सिलसिले ते जड़ा है बठिंडा प्रेस क्लब वालों आज एक मेमोरेंडम दी गई है कि इस मर्डर जड़ा हुई है इसकी निंदा करते हुए उन्होंने डिमांड किया है कि जड़ा भी कल्प्रिट है तो प्रेस की स्वतंत्रता बजाय रखा जाए, और असी मेमोरेंडम सरकार को भेज देवे। बठिंडा से दीपू शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 89।